तो फ्रेंड्स आज मेरा नंबर आ गया है अपने प्लांट्स रिपोर्ट करने का। 3 से 4 दिन हो गए हैं मेरे सभी प्लांट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, पोलोथीन में ही, प्लास्टिक के पोट में ही। तो अभी जो मेरे पास खाली पोट पड़े हुए हैं पहले से, कुछ उनमें हम अपने प्लांट्स लगाएंगे और जो बाकी के रह जाएंगे उसके लिए हम नए पोट लेके आएंगे। तो इन सब पर तो फ्लावर आने भी स्टार्ट हो गए हैं ऐसे ही पड़े पड़े। तो आज इनका नंबर आया है रिपोर्ट होने का। अभी मेरे पास ये कुछ खाली पोट इधर पड़े हुए हैं, इन्हीं सब में मैं ये लगा दूंगी, जो बाकी के बच जाएंगे उनके लिए लेके आ जाएंगे। तो सोइल हम इनके लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट भी इकट्ठा किया है, ये सब मैं पोट में नीचे की साइड डाल दूंगी। ये देखिए काफ़ी सारा है, तो ये सब हम नीचे पोट में डाल देंगे, उससे हमारे प्लांट्स को अच्छी एनर्जी मिलेगी और इनका खुद से ही खाद बनना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर लेते हैं। सोइल देखिए हमने सोइल में क्या क्या मिलाया है, और नर्सरी से लाके आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नर्सरी से लाके आप भी अपने प्लांट्स को कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कर लेते हैं सोइल तैयार। तो सोइल देखिए ये पुरानी सोइल है जो कि गमलों में से निकली हुई होती है, इस सोइल को हम सुखा लेते हैं। अब दोबारा से इस सोइल को हम कैसे तैयार करेंगे ताकि हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो, तो सबसे पहले तो ये देखिए मेरे पास फंजीसाइड पाउडर है, तो ये देखिए इतना सारा लूँगी मैं, और इस सोइल में हमें ये मिक्स करना है। अगर इसमें कोई फंगस वगैरह कोई कुछ होगा तो उससे हमारी सोइल ख़राब नहीं होंगी और ना ही प्लांट ख़राब होंगे। इसके बाद इसी में ही हम नीम खली ऐड करेंगे, तो नीम खली मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करूँगी, तो ये इतना मैंने नीम खली ले लिया है। और अभी हम इसमें ये देखिए ये खाद बनाया हुआ है, नर्सरी से मैंने ये लाया हुआ है, तो इसमें उन्होंने सब कुछ मिला रखा है, इसमें पोटास भी है और DAP NPK सब कुछ इसमें एक जगह मिक्स किया हुआ है, जो कि हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें देखिए 2 मुट्ठी कम से कम हम ये ऐड कर देंगे, क्योंकि सोइल हमारी ज़्यादा है इसलिए खाद की मात्रा भी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। और इस सोइल में थोड़ा खाद पहले से भी ऐड हो रखा है, लेकिन ये देखें फिर भी हमारा ये खाद भी हो गया है, केमिकल वाला भी, और ये इतना मैं गोबर की खाद इसमें ऐड करूँगी। तो ये पूरी सोइल अब हमें मिक्स कर लेनी है। और ये देखिए कुछ सूखी पत्तियाँ, ये सूखी पत्तियाँ हैं जो कि मेरे गार्डन में ऐसे ही टूटती रहती हैं, तो मैं इन सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। अब जैसे ही हम अपना प्लांट लगाएंगे उसे हम इसमें नीचे पोट में डाल लेंगे, ये पत्तियाँ हैं और किचन वेस्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम इस सबको ये मिक्स कर लेते हैं सोइल, इस तरीके से देखिए हमें इसे मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल मिक्सर अच्छा हो गया है, इसमें हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो अब देखिए हम अपने प्लांट लगाने शुरू करते हैं। तो प्लांट हमारे काफ़ी सारे हैं इसलिए मैं आपको लगा कर तब दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इस पोट लेना है, और पोट के ऊपर देखिए इस तरीके से हमें ये ठिकरी रख देनी है, उल्टी साइड से रखते हैं,
इस साइड से ये हमें नहीं रखना है, इस साइड से रखना है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसे रख दूँगी। अब इसके बाद हमें इसमें सोइल भरनी है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा अपना इसमें किचन वेस्ट और जो पत्तियां हैं हमारे पास वो डाल लेते हैं। और ये देखिए गत्ता भी है, गत्ते का भी अच्छा खाद बन जाता है गलने के बाद, तो ये गत्ता भी हम इसमें ही डाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम सोइल भरने के बाद जो अपने हमारे सीजनल प्लांट होते हैं इन्हें हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अभी इनका टाइम है फ्लावरिंग करने का। और अब अगर अभी हम इन्हें ज़्यादा टॉर्चर करेंगे प्लांट को, तो हो सकता है शायद से इनकी जड़ें ख़राब हो जाएं और वो सूख जाए हमारा प्लांट। इसलिए अभी हम ज़्यादा छेड़ने की बजाय सिर्फ थोड़ा सा सोइल पोलोथीन उतार के ऐसे ही अपने प्लांट को लगा देंगे। ये देखिए सिर्फ करना क्या है, ऐसे पोलोथीन उतार के हल्की हल्की हमें इनकी सोइल निकालनी है, जड़ें खोलनी है, ज़्यादा हमें अपने प्लांट को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। अभी इन प्लांट का फ्लावरिंग टाइम है। तो इस तरीके से देखिए सिर्फ यहाँ से साइड में से हल्का हल्का खोल के यहाँ से देखिए ये जड़ें खुल जाएंगी, ये जड़ें हैं ना ये खुल जाएंगी ताकि ये हमारी सोइल में भी अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट को लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर, और इसमें हम फिर से दोनों साइड में सोइल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे सभी प्लांट्स लगकर तैयार हो जाएंगे। अपने सभी प्लांट्स में ऐसे ही लगा लूँगी। कोई एयर पॉकेट हमें नहीं रखना होता है, अच्छे से सोइल को ऐसे प्रेस कर दीजिए ताकि उसमें कोई खाली जगह ना रहे। ये देखिए ऐसे, तो ये हमारा पॉट लगकर प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। थोड़ी जगह हम अपने पॉट में रखेंगे ताकि हम इसमें बाद में कोई भी खाद वगैरह या पानी वगैरह डालेंगे तो वो बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरीके से, तो नर्सरी से लाके हमें अपने प्लांट को रिपोर्ट करना होता है, तब थोड़ा ध्यान रखना होता है बस, ताकि हमारे प्लांट जल्दी से ख़राब ना हो। नर्सरी वाले क्या होता है, नर्सरी वाले खाद ज़्यादा डालते हैं, केमिकल ज़्यादा डालते हैं नर्सरी वाले। हम इतना केमिकल ना डालने की बजाय अपने घर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा प्लांट लगकर तैयार हो चुका है। अभी इस तरीके से ही मैं दूसरे भी प्लांट लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर क्या होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं थोड़ा सोख तो प्लांट को लगता ही है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपने प्लांट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा ये तो लगेगा ही कि एक जगह से दूसरी जगह हुआ है। लेकिन ज़्यादा प्लांट को हमारे ना ड्राइनेस आए प्लांट में, इसलिए हमें उसे ज़्यादा उसकी जड़ों को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इस तरीके से ये भी हमारा प्लांट लग गया है। इसी में भी हम ऐसे ही प्रेस करेंगे। सब पर इसी तरीके से देखिए, इसमें भी यही होल है, इसमें भी मैं ये ठिकरी रख लूँगी
और ऐसे सोइल भर के और किचन वेस्ट जो होता है हमारा, इसका बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। बहुत अच्छे इससे हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती है। ऐसे खाद बनाने की बजाय हम इस तरीके से उसे पॉट में नीचे की साइड डाल सकते हैं। अभी कुछ प्लांट हमारे शायद से रह जाएंगे, वो हम अपने बाद में कुछ पॉट लाने पड़ेंगे, नए पॉट लाने के बाद उसमें लगाएंगे। इस तरीके से ये मेरा एशियाटिक लिली का प्लांट है। देखिए इसका फ्लावर बड़ा सुंदर आने वाला है, काफ़ी बड़ी इसकी बर्ड्स हो गई है। तो इसे भी हम अपने प्लांट को इसी तरीके से लगाएंगे। एशियाटिक लिली का जो प्लांट होता है, इसकी ये स्टेम जो होता है ज़्यादा लंबा होता है। ये देखिए इसका ये वाला स्टेम जिस पर ये फ्लावरिंग करता है, तो ये वाला इसका स्टेम ज़्यादा लंबा होता है। इस वजह से ये स्टेम फूल इसका बड़ा होता है और इसका स्टेम ना टूट जाए ये, इसलिए इसके पास आपको एक स्टिक लगानी होती है। ये यहाँ पर स्टिक लगाने से हमारा प्लांट ठीक रहेगा और ये बीच में से नहीं टूट जाएगा ना, इसलिए आपको एक स्टिक इसके पास ज़रूर लगानी पड़ेगी। ऐसे देखिए, ऐसे भी सोइल उतार के बिल्कुल आराम से ऐसे पॉलीथीन उतार के बिल्कुल आराम से हमें इसे पॉट में रख देना है। और ऐसे साइड में से इसमें सोइल डाल देंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा लगकर तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो अभी देखिए हमारे इम्पेशियन प्लांट का नंबर है, ये प्लांट हमारा गमले में है, तो गमले में से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए इन्होंने रेड मिट्टी में लगाया हुआ है। रेड मिट्टी जो कि भट्टे पे होती है ना, वही होती है ये। इसे हल्का हल्का हम जड़ों को खोल के ऐसे ऐसे देखिए, और अब सोइल में अच्छे से बिल्कुल प्रेस करके ऐसे साइड में से अब हम इसमें सोइल डाल देंगे। और इसी का जो दूसरा भी प्लांट है हमारा इम्पेशियन का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पास ये देखिए ये रहा, तो इसके पास देखिए एक टोकरी है ये प्लास्टिक वाली, तो इस टोकरी में से हमें तो इस प्लांट को निकालना पड़ेगा। ऐसे देखिए, अब पता नहीं जड़ें इसमें से निकली हुई हैं, लेकिन बारीक बारीक जड़ें हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए टोकरी प्लास्टिक की मैंने इस पे से उतार दिया। अब देखते हैं, प्लांट तो हमारा अच्छा है, हेल्दी। अभी इसको लगा देते हैं, बाद में इसकी कंडीशन देखेंगे क्या होगा। ऐसे ख़राब तो नहीं होगा ये प्लांट, मुझे मैं इसे ख़राब तो नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। इतना महंगा ये प्लांट है, 100 रुपीज़ का एक प्लांट मिलता है ये,
तो ऐसे कैसे ख़राब होने देंगे ना हम अपने प्लांट को। तो ये भी हमारा प्लांट लगकर तैयार हो गया है। ये इम्पेशियन जो प्लांट होता है इसमें पानी कम चाहिए होता है, इसलिए हम इस प्लांट में जितना कम पानी डालेंगे उतना अच्छे से ये ग्रो होगा। ऐसे देखिए। तो अब है हमारी गुलदावरी के प्लांट का नंबर। देखिए पूरा का पूरा सोइल कैसे निकल के आया है, कितनी सारी बजरियाँ इन्होंने इसमें डाली हुई है। ये गुलदावरी का कलर बड़ा प्यारा लग रहा है ना। इसे भी इस तरीके से पोट में रख के तो फ्रेंड्स ये वाले प्लांट्स के लिए तो मैंने ये वाला पोट लिया है इस तरीके का, क्योंकि इस तरीके के पोट में हमारे ये वाले दो प्लांट लग जाएंगे। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी करते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर, और ये येलो फ्लावरिंग वाला है। ये यहाँ पर तो दो प्लांट एक जगह हो जाएंगे, सुंदर भी लगेंगे लगे हुए, और फ्लावरिंग भी अच्छे से भरा हुआ पॉट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ये भी हमारा लगकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास पॉट ख़त्म हो गए हैं, दो तीन पॉट पड़े हुए हैं। ये देखिए उधर हैं, इनमें भी मैं प्लांट लगा देती हूँ। बाकी के जो हमारे ये प्लांट रह गए हैं इनके लिए तब मैं पॉट लेके आऊँगी, आज या कल इन सभी प्लांट को रिपोर्ट करूँगी, उसके बाद आपको वीडियो दिखाऊँगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नर्सरी से लाके हमें अपने प्लांट को रिपोर्ट कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बाय बाय।